हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारे सीएसएस ट्यूटोरियल की 11th वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सीएसएस ग्रिड लेआउट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीएसएस ग्रिड लेआउट होता क्या है। तो सीएसएस ग्रिड लेआउट सिंपली एक ऐसा टेक्निक है सीएसएस में, जिससे हम हमारे पेज को यानी हमारे एलिमेंट्स को 2D डायमेंशनल लेआउट सिस्टम प्रोवाइड करा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, जिसकी मदद से हम हमारे वेब पेजेस को 1D लेआउट प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर हमने बात करी थी रोज और कॉलम्स की। इसके अंदर भी हम रोज और कॉलम्स का यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पर हम पहुंच जाएंगे रोज और कॉलम्स में, जिससे हम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेब पेजेस और बहुत ही इजिली डिजाइन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रिड लेआउट होता क्या है। तो ग्रिड लेआउट क्या होता है, ग्रिड इज अ कलेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। तो ग्रिड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स का एक पैटर्न होता है, जिसके ऊपर की तरफ हम एलिमेंट्स, हमारे जो आइटम्स होंगे कंटेनर के आइटम्स, उसको हम डिजाइन करेंगे। जो आइटम्स डिजाइन करेंगे वो वेबसाइट की हाइट या विड्थ के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, जो वेबसाइट को कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कराएगा। तो अब हम देख लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में क्या फर्क होता है। तो मैंने जैसे बताया, फ्लेक्स बॉक्स होता है वो 1D होता है, लेकिन जो सीएसएस की ग्रिड लेआउट होता है वो 2D होता है। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर भी हम कंटेनर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर की तरफ हम आइटम्स को ऐड करेंगे, उसी तरह ग्रिड में भी हम सीएसएस का यूज करके कंटेनर बनाएंगे और उसके अंदर हमारे आइटम्स लेंगे, लेकिन उसमें 1D आइटम होंगे और इसमें 2D आइटम होंगे। तो अब हम देख लेते हैं हमारा ग्रिड लेआउट किस तरह का दिखता है। तो ग्रिड लेआउट में क्या होता है, सिंपली हमारी प्री डिफाइंड कॉलम बने हुए रहते हैं, उन कॉलम के बीच में गैप्स होता है, जिसको हम कहते हैं गटर्स, और जो कॉलम्स होते हैं उसके ऊपर हम आइटम्स बनाएंगे, यानी बॉक्सेस बनाएंगे और कुछ डब्बे बनाएंगे कंटेनर के ऊपर, और उस कंटेनर की रो हम अपने आप से डिफाइन करेंगे। तो चलिए गाइस, इस ग्रिड लेआउट को और अच्छी तरह समझने के लिए हम हमारे वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, यहां हमारे वीएस कोड में आ चुके हैं। वीएस कोड में आने के बाद में सिंपली मैंने एक grid.html नाम से फाइल क्रिएट कर ली है, और हमारा जो एचटीएमएल टेम्पलेट है उसको यहां पे क्रिएट करके टाइटल में लिख दूंगा grid.html, और मैं क्या करूँगा, और उसके बाद जो बॉडी होगी इसको सेव कर लेता हूँ और पेज पर लोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो पेज है वो सक्सेसफुल लोड हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा, इसी क्लास में कर दूंगा कंटेनर। तो यहाँ पर हमारा एक डिव क्रिएट हो गया, और उस डिव के अंदर मैं 5 बॉक्सेस बनाऊंगा। तो हर बॉक्स का जो क्लास है, एक क्लास होगी आइटम, और दूसरी मैं एक रैंडम क्लास जनरेट करूंगा और उसका नाम लिखूंगा मैं बॉक्स $5। तो आप देख सकते हैं ये एक स्निपेट है वीएस कोड का, जिससे हम एक ही लाइन में, जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे box 1, box 2, box 3, box 4, box 5 नाम के हमारे 5 बॉक्स है वो सिंपली क्रिएट हो गए। वापस मैं आपको बता देता हूँ, डिव लिखना है, फिर डिव की क्लास लिखनी है, फिर उसके बाद आपको क्या कंटेंट लिखना है उसके अंदर, बॉक्स, और डॉलर का मतलब होता है, डॉलर का मतलब होता है एक वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर 5 तक की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। तो जैसे मैं एंटर दूंगा तो 5 वापस बॉक्स मेरे क्लियर हो गए, क्रिएट हो गए। तो अब मैं यहाँ पे स्पेलिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, कंटेनर वाली क्लास होगी ना जो हमारी, कंटेनर वाली क्लास का क्या करेंगे, कंटेनर वाली क्लास का जो बैकग्राउंड कलर है सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसको कर लेंगे मेंटिक वाइट, और जितने भी हमारे आइटम है आइटम का कर देंगे बैकग्राउंड कलर, कर देंगे आइटम का लाइट 3, और इनकी जो बॉर्डर होगी बॉर्डर कर देंगे 1 पिक्सल और सॉलिड कलर, और जो हमारा बॉर्डर रेडियस होगा उसको कर देंगे हम 5 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे box 1, box 2, box 3, box 4 और box 5, 5 बॉक्स यहाँ पे हमारे क्रिएट हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा डिस्प्ले में, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे ग्रिड सिलेक्ट कर लूँगा, और ग्रिड सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी करूँगा उसमें लोग ग्रिड टेम्पलेट और कॉलम, और अगर मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लिख के 200 पिक्सल क्या करूँगा, इधर मैं लिखूँगा 50 पिक्सल और 50 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, हमारे एक ग्रिड यहाँ पे एक तैयार हो गया, जिसके जो कॉलम होगा वो 50 पिक्सल का कॉलम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे और आइटम क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने और 5 बॉक्स क्रिएट कर दिए, टोटल हमारे 7 बॉक्स यहाँ पर क्रिएट हो गए, तो box 1, box 2 और box 3 यानी मैक्सिमम जितने लिखा, जैसे 50 पिक्सल के यहाँ पे 3 कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गए, और जो आइटम हो गए वो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे अलाइन हो गए। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं 70 पिक्सल एक और लिख देता हूँ, तो जो हमारा box 4 है वो 70 पिक्सल का हो जाएगा। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज़ करके आप जो कॉलम है उसकी साइज विड्थ को डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ऑटो लिख देता हूँ तो यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए क्या करूँगा, मैं अलग अलग साइज़ के हिसाब से आपको क्रिएट कर देता हूँ, बॉक्स वाला 30 पिक्सल, फिर 50 पिक्सल, फिर 70 पिक्सल और फिर 80, या फिर एक लास्ट रख देंगे हम 100 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो कॉलम है 30 पिक्सल, फिर 50 पिक्सल, फिर 70 पिक्सल, फिर 100 पिक्सल। तो इस हिसाब से हमारे जो बॉक्स है उसकी साइज विड्थ अपने आप यहाँ पे सेट हो गई है। और उसके बाद अगर कॉलम की जगह मैं लिख दूंगा रो, कॉलम की जगह मैं लिख देता हूँ रो, तो अगर मैं अब इसको सेव करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं अब इस ग्रिड टेम्पलेट रो की प्रॉपर्टी से हमारी जो रो होती है उसकी विड्थ यहाँ पे सेट हो गई है। जैसे box 1 की विड्थ हो गई है 30 पिक्सल, फिर 50 पिक्सल, फिर 70, 100 और बाकी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी।
अगर मैं यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी का अगर साथ में अगर यूज करता हूँ और रो को मैं 2200 पिक्सल लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम की हमारी विथ, फर्स्ट जो रो है वो 200 पिक्सल का, और नीचे के जितने भी रो है वो प्री डिफाइंड रो कॉलम बन गए, प्री डिफाइंड हो गए, और जो हमारा कॉलम है वो कॉलम की विथ भी हमने सेट कर दी है और रो की विथ भी हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉलम और रो ग्रिड के सेट कर सकते हैं कि कॉलम की जो विथ क्या होगी और या फिर रो की विथ कितनी होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ तक तो हमने यहाँ तक तो अभी तक हमने देख लिया कि कॉलम और रो किस तरह से काम करता है। लेकिन आप अज्यूम कीजिए कि अगर अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको हटा दूंगा, और अभी आप देख सकते हैं कि अगर अभी मैं यहाँ पे 200 पिक्सल लिख रहा हूँ, तो 200 जो पिक्सल है वो सिर्फ एक ही हमारे बॉक्स पर अप्लाई हो रहा है, और लास्ट के सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और हमने जितने भी बॉक्स क्रिएट करें उन पे ये जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसके अंदर 200 पिक्सल हटा के रिपीट प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, और रिपीट प्रॉपर्टी के अंदर आपको करना पड़ेगा 7 लिखना पड़ेगा, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, और जो आपकी विथ है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने ये विथ सिलेक्ट करी तो आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स 1 2 3 4 5 6, तो 7 टाइम 50 पिक्सल्स हमारा यहाँ पे यूज हो गया। अब मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ। तो अभी क्या करूँगा, मैं टेम्पलेट को रो हटा के यहाँ पे सिंपली कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा, और कॉलम सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था वैसा सिंपली यहाँ पे काम कर रहा है सक्सेसफुली। तो अगर मैं पिक्सल की जगह क्या करूँगा, अगर मैं पिक्सल की जगह लिख दूंगा 2FR, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो विथ है, हमारे जो एलिमेंट है वो टोटल विथ के फ्रैक्शन में यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, 2FR वाले सेक्शन में यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। और मैंने आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी, पिक्सल वापस यहाँ पे 50 पिक्सल सेट कर देता हूँ, और इस बार मैं 4 करता हूँ, यानी मेरे को सिर्फ 4 ही कॉलम चाहिए। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जिससे जिसको बोलते हैं गटर, और जिससे जो हमारे ग्रिड है उसके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली ग्रिड ग्रिड लिखूंगा और ग्रिड कैप का यूज़ करूंगा। तो ग्रिड कैप कितना रखेंगे, हम ग्रिड कैप कर देंगे 20 पिक्सल। तो जैसे ही आप देख सकते हैं मैंने ग्रिड गैप का यूज़ करा, तो ग्रिड गैप से जैसे मार्जिन काम करता है उसी तरह से जो जितने भी हमारे आइटम है उसके जितने भी आइटम है उनके बीच में 20 पिक्सल का गैप क्रिएट हो गया। और इसको ये मैंने बताया था ग्रिड लेआउट में इसको गटर कहते हैं। तो इस तरह से आप रिपीट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो, ग्रिड गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रो इस तरह से इन सब प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। अब एक प्रॉपर्टी मैं आपको ये बताऊंगा अभी मैं क्या, तो अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपली मैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर दूंगा, और ऑन करने के बाद क्या करूँगा, हमारा जो माउस ले जाके हमारा जो ग्रिड वाला एलिमेंट है उसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे ग्रिड प्रॉपर्टी को इनेबल कर दूंगा। तो जैसे ही ग्रिड प्रॉपर्टी का इनेबल करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो ग्रिड है उसके यहाँ पे नंबरिंग शो हो गई है 1 2 3 4 5 2 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 2 तक एक रो है, और 2 से लेकर 3 तक दूसरी रो है। इसी तरह 1 से लेकर 2 तक एक पहला कॉलम, 2 से लेकर 3 तक दूसरा कॉलम, 3 से लेकर 4 तक तीसरा कॉलम, और 4 से लेकर 5 तक फोर्थ वाला कॉलम यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो बॉक्स वन है उसकी यहाँ पे आईडी दे दूंगा बॉक्स 1, और जो हमारा बॉक्स 2 है उसकी मैं आईडी यहाँ पे सिंपली दे दूंगा बॉक्स 2। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, जो ये हमारा बॉक्स 1 है, जो यहाँ पे मैंने बॉक्स 1 को सिलेक्ट किया था, वो उसको मैं जो फर्स्ट वाली पोजीशन है इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको फर्स्ट रो में रहने दूंगा लेकिन इसको ट्रांसलेट कर दूंगा थर्ड कॉलम के अंदर। तो थर्ड कॉलम में ट्रांसलेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, 3 से स्टार्ट होना चाहिए और 4th पे एंड होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली आईडी सिलेक्टर का यूज़ करके बॉक्स 1 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, और इसमें क्या लिखूंगा मैं, ग्रिड ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए हमारा, 3 से स्टार्ट होना चाहिए, और एंड कहाँ पे होना चाहिए हमारा, 4th पे हमारा एंड हो जाना चाहिए। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं जो हमारा स्टार्ट है, ग्रिड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अब हमारा ग्रिड 3 से स्टार्ट हो रहा है और 4th पे एंड हो रहा है। तो इस तरह आप ग्रिड को स्टार्ट और एंडिंग पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और हम क्या करेंगे, अब सेकंड वाला जो बॉक्स है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सेकंड वाला बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वापस मैं वो ग्रिड वाला ऑप्शन और इनेबल कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये थर्ड वाला बॉक्स है, बॉक्स 3 है, उसको हम नीचे लेके आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड वाला बॉक्स है उसको सेकेंड रो से स्टार्ट करके थर्ड रो पे एंड करेंगे। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे ग्रिड रो स्टार्ट, सेकेंड से स्टार्ट होगी और थर्ड पे हम एंड कर देंगे, और इधर इसको लिख देंगे एंड। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारा कैसा था, अगर मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, इसको सिंपली यहाँ से हटा देता हूँ,
और अभी देख सकते हैं, अभी हमारा बॉक्स है वो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में है, और इसको मैं ट्रांसलेट करके क्या ले आऊँगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो वापस मैं यहाँ पे हमारा कोड को सेव कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा ग्रिड का बॉक्स 2 है वो चेंज हो गया उसकी पोजीशन, अब उसकी पोजीशन ये हो गई है, और पहले ये वाला बॉक्स इधर पे था और ये वाला बॉक्स इधर आ गया और ये वाला बॉक्स इधर चला गया। तो बस गाइज, ये इस तरह से ग्रिड की और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है, और आने वाली वीडियो में हम और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ग्रिड की और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ग्रिड की और प्रॉपर्टी आप एक्सप्लोर कर सकते हो ग्रिड लिखने के बाद, काफ़ी सारे वीएस कोड ने अपने आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बता दी है, तो इस तरह से काफ़ी सारी आप और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में ग्रिड की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी हमने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारी सीएसएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारी सीएसएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, और दूसरी भी जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पहले से अपलोडेड है उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और सीएसएस के ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। Keep exploring.